आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम आम का अचार बनाएंगे और आम का अचार बनाने के लिए ये देखिए मैंने इस तरह की अम्बी ले ली है। आमी एकदम बाहर से साफ होनी चाहिए। हम आम को क्या करेंगे कि दो तीन पानी अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसे साफ कपड़े से पोछेंगे। आम हमने काट के तैयार कर लिया है और इस साइज का हमें आम काटना है। अब हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। हम 2 किलो आम का अचार बना रहे हैं और इसके लिए मैंने 60 ml धनिया लिया है, यानी आधा कप धनिया डालेंगे। 30 ml जीरा डालेंगे 1/4 कप के हिसाब से। 1/4 कप मेथी डालेंगे 30 ml। 30 से 35 दाने काली मिर्च के डालेंगे। 25-30 लाल मिर्ची डालेंगे। 3 चम्मच सौंफ डालेंगे। अब हम मसाले लो से मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें तेज नहीं करना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए मसाले धीमी आंच पर भूनेंगे। आम का अचार बनाते समय हम सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि हम जब भी मार्केट में आम लेने जाते हैं तो आम में जब जाली पड़ जाती है तो वो वाला आम हम लेंगे। इससे ये होगा कि आम को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और आम का अचार जब हम बनाएंगे तो अचार जल्दी से खराब नहीं होगा। तो आम आप जाली वाला ही लीजिएगा। भून के तैयार हो गया है और ये देखिए मसाले में से चट चट की आवाज़ आ रही है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और मसाले को ठंडा कर लेंगे। मसाला ठंडा हो गया है और मैं अब इसमें 1/4 कप सरसों डालूंगी। सरसों के दाने को पहले मैंने धूप में सुखा लिया था। सबसे पहले हम इसे धूप में सुखा लेंगे ताकि इसमें जो भी नमी होगी वो ख़त्म हो जाए और अचार हमारा सुरक्षित रहे। मिक्सी के जार में मसाला डाल देंगे और मसाले को हम पीस लेंगे। हमने पीस के तैयार कर लिया है और इस तरह का दरदरा मसाला हमें पीसना है। मसाला को हम बारीक नहीं पीसेंगे, अचार का मसाला दरदरा ही पीसते हैं। मैंने यह बड़े से परात में आम को रख लिया है। अब मैं इसमें मेथी डालूंगी। ये मैंने साबुत मेथी लिया है। ये 500 ग्राम मेथी है। 2 किलो आम में 500 ग्राम मेथी डाल रही हूँ। साबुत मेथी डालेंगे। मैं आम और मेथी का अचार बना रही हूँ और इसके लिए मैं 500 ग्राम साबुत मेथी डालूंगी इसमें। अचार में डालने से पहले इसे हम एक दिन धूप में सुखाएंगे ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह हो वो खत्म हो जाए और अचार हमारा सुरक्षित रहे। इसके लिए हम मेथी को एक दिन धूप में सुखाएंगे। अब हम अचार का मसाला डाल देंगे। जितना मसाला हमने पीसा था सारा डाल देंगे। 4 चम्मच कलौंजी डालेंगे। 4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। 6 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच भर के हींग डालेंगे। मैंने अचार में सभी मसाले डाल दिए हैं। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल डालेंगे, आधा लीटर सरसों का तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद अचार को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अचार हमारा बनके तैयार है। अचार जब आप बना लेते हो तो आप इसे खुला मत छोड़िए। हमें जिस भी कांच की बर्नी में रखनी है उसे हम इसे पैक कर देंगे और तब रखेंगे। अगर थोड़ा सा भी कहीं पानी का छींटा वगैरह पड़ जाता है तो अचार हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए हमारे गाँव में लोग बोलते हैं कि अचार बड़े विचार से बनाया जाता है। हमारा बनके तैयार है और अब हम एक कांच की बर्नी लेंगे। जब भी आप अचार बनाते हो तो आप इसे प्लास्टिक के डिब्बे में मत रखो, कांच के डिब्बे में रखना चाहिए। इससे अचार काफ़ी समय तक चलता है और ख़राब भी नहीं होता है। मेथी का अचार हमारा बनके तैयार है और अब हम इसे 10 से 15 दिन तक क्या करेंगे, धूप में रखेंगे। इससे आम का अचार जो हमने बनाया वो जल्दी से तैयार हो जाएगा, अगर आपको जल्दी खाना है तो। और अगर आप इसको मतलब धूप में नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कहीं सुरक्षित जगह पे घर में रखिए। इससे क्या होगा कि आम का अचार धीरे धीरे
अपने आप ही पक जाएगा। इसको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जल्दी खाना है तो इसे धूप में रखिएगा ताकि ये जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो जाए। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।